हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं हूँ कावेरी और मैं एक इंडियन हूँ और हम जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी में जॉब सेटलमेंट और जर्मनी की बहुत अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और यूरोप की भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। तो हो गया बहुत बहुत ज्ञान। अब आज का वीडियो किस टॉपिक पे है? आप सभी लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं वो सब कभी ना कभी किसी मेले में या फिर प्रदर्शनी में या फिर इंग्लिश में जिसको फेयर बोलते हैं वहाँ तो गए ही होंगे। और सारे बच्चे और जितने भी बंदियाँ हैं उनका मम्मी लोग या फिर हम लोग भी उनका सबसे फेवरेट कॉर्न पता है क्या होता था? हर माल 10 रुपये। ठीक है, तो उसमें हम चाहे जितना भी सामान खरीद लें पर हमें लगता था यार 10 रुपये में तो कितना कुछ मिल जाता है, हम ज़रूर उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ चले जाते थे, बैट बॉल या कुछ भी अपना खरीद के ले आते थे। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूरोप में भी है, पर यहाँ पे 10 रुपये की जगह 1 यूरो हो जाता है। तो क्या इतनी महंगाई में, जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि म्यूनिक इतना महंगा है, तो क्या 1 यूरो में क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल पाता होगा? तो आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं कि 1 यूरो शॉप हम जाने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ दिवाली वगैरह की शॉपिंग करनी है। तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें 1 यूरो में मिलती हैं, और एक्चुअली में कई चीज़ें मिलती हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ देख के। तो चलिए आप हमारे साथ। ये जो आप देख रहे हो ना, रास्ते में पूरे रास्ते में पत्ते पत्ते गिरे हुए हैं, क्योंकि ठंड आ रही है तो सारे पत्ते गिर जाएंगे और इस समय सब पत्ते येलो हो गए हैं। और थोड़े टाइम जब ज़्यादा ठंड होगी ना तो सिर्फ आपको डालियाँ दिखेंगी, एक भी पत्ता नहीं दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगी ठंडी में। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो हम आ गए हैं 1 यूरो शॉप, और जैसे कि यहाँ पे जर्मनी में अभी कोरोना वायरस के कारण मास्क लगाने का नियम है, तो मास्क लगा लेते हैं और अंदर चलते हैं। और मैं यहाँ पे क्या चेंज नोटिस कर रही हूँ, हर माल जो होता था वो 1 यूरो का होता था, पर अभी आप देख सकते हो ये 1.1 यूरो दिखा रहा है। तो मे बी शायद कोरोना के कारण कुछ चेंज हुआ हो। लेट्स सी, अंदर देखते हैं कि क्या अभी यही है क्या। ये पूरा सेक्शन हेलोइन का सेक्शन है, और ये देखिए कंकाली खोपड़ी वाला ओपनर, और ये पूरा कटा हुआ हाथ हेलोइन में ये लोग यूज करते हैं। गजब गजब बन के आते हैं, सीरियसली खून लगा के कुछ भी करके। अरे देखो क्यूट सा है ये पम्पकिन। और ये ऊपर देखो, ये पता है क्या है? खून है। सोलर चार्जिंग से चलने वाले हैं, जैसे गाड़ी वगैरह पे लगाते हैं ना, मूव करते हैं। जो पिछला आपने पंपकिन देखा ना, वो भी ऐसे ही सोलर से मूव करता है। आई लव यू मॉम। ये पूरा पोस्ट कार्ड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको हर तरह के, हर ओकेजन के हिसाब से पोस्ट कार्ड मिल जाएंगे। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है ये सेक्शन। आप देखो हर अलग अलग टाइप के, ये क्यूट बेबी, ये क्रिसमस बेबी का है पोस्ट कार्ड। ये आप पूरा इंडिया का डीमार्ट वाला सेक्शन आ गया, बॉक्सेस मिल जाएंगे, और फिर आप देख सकते हो कप्स और किचन के छोटे मोटे सामान। तो आप अच्छे से देख लो, ये सारे सामान यहाँ मिलते हैं, तो ये नहीं भी लाओगे तो चलेगा। नाइफ्स देखो कितने टाइप के हैं, और ये छन्नी है, और देखो इसका छेद कितना बड़ा है, सारी चाय इससे बाहर निकल जाएगी।
और ये बेकिंग का पूरा वो है, कंटेनर वगैरह बेकिंग के लिए है सारे। और ये जैसे कप वगैरह रखने के लिए, यहाँ कई सामान तो ऐसे जो मुझे खुद भी नहीं पता क्यों यूज़ होते हैं, तो मैं भी बस एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। और ये तो वो काला नमक वगैरह के लिए है। और ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है, देखो कितने बड़े बड़े कैंडल्स, मैंने यहाँ पे आने से पहले ना इतने बड़े कैंडल कभी देखे ही नहीं थे। और सम कैंडल्स में फ्रेग्रेंस भी होता है, सारे में नहीं पर कुछ में फ्रेग्रेंस होता है, इसीलिए मैं सूंघ के देख रही हूँ किसी किसी को। और ये क्यूट से कप्स, और ये जो पूरा सेक्शन है ये क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए जितने सामान हैं सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए छोटे सेंटा क्लॉज की ड्रेस, पर ये छोटी ड्रेस इतने बड़े सेंटा क्लॉज को फिट आएगी? अक्सर ही कपड़े में लगाने वाली चिमटी या तो घूम जाती है या तो इधर उधर पड़ी रहती है, तो इसका सलूशन मिल गया हमें। इस पैकेट में आप चिमटियां सारी डाल दीजिए, उसको कहीं भी हैंग कर दीजिए, हैंडी रहेगा। ये देखिए यहाँ पे गॉगल्स वगैरह मिल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि कैसे हैं, ये कभी ट्राई नहीं किया। और यहाँ पे क्रिसमस में गिफ्ट्स देते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए ये टैग मिल रहा है। यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्नैक्स भी मिल जाएंगे, चॉकलेट वगैरह, कुछ नमकीन वमकीन टाइप भी मिल जाएगी। मैं भी सोच रही हूँ ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कुछ कैसा मिलता है। और ये है कैंडी फ्लॉस, अलग अलग तरह के जो बुढ़ी के बाल होते हैं ना वो डब्बे में पैक कर दिया है। ये आप देखो, ये जो इंग्लिश की बुक में हमारी कैंडी होती थी ना, ये वही कैंडी है, मुझे फर्स्ट टाइम दिखी यहाँ पे। ये पूरा कॉस्मेटिक का सेक्शन है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप यहाँ से कॉस्मेटिक लो, आप डीएम से लो, वो बेस्ट होता है यहाँ पे। और ये गेस करो क्या है, ये सैनिटाइजर है जो बैग के पीछे आप मस्त लगा सकते हो, कहीं भी जाओ बैग में लटका रहेगा। और ये जो आप देख रहे हो इससे आप सिंक क्लीन कर सकते हो, उसको सिंक में अंदर डाल के, मुझे फर्स्ट टाइम दिखा ये। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको घर गृहस्थी के सारे छोटे मोटे सामान, सुई धागा से लेकर नेल कटर से लेकर टेप से लेकर सब कुछ मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, और बहुत कम दाम में। अब ये लाइट्स के सेक्शन हैं, अलग अलग कलर की लाइट है, हमें दिवाली के लिए लेनी है, तो मैं देखती हूँ कि मैं कौन से लेती हूँ। पहली बार ट्राई कर रहे हैं यहाँ की लाइट। और ये फोटो फ्रेम्स हैं। अब यहाँ पे सारे बुक्स मिल जाएंगी जो कि जर्मन में है, तो इट्स ब्रेल फॉर मी। और ये पूरा स्टेशनरी का सेक्शन है, आपको स्टेशनरी के यहाँ पे सारे सामान मिल जाएंगे, और सब 1 1.1 यूरो के हैं। पेन वगैरह सब कुछ, स्टिकी नोट्स, फाइल वगैरह भी मिल जाएगी डॉक्यूमेंट रखने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इतने डॉक्यूमेंट होते हैं ना। ये देखो कटर कितना फैसिनेटिंग है ना, अंदर मस्त छिलका आ जाएगा।
घर आ गए हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं। तो हम बेसिकली मैट्स लेके आए हैं किचन में रखने के लिए, क्योंकि किचन पे स्क्रैच वैच उसके फाउंडेशन पे ज्यादा ना आए, तो इसलिए हम ये मैट वैट लेके आए कि बिछा के अपना जो भी चॉपिंग करनी है या फिर कर सकते हैं। और ये भी लेके आए हैं म्यूनशिन, और एक टोमेटो केचप लेके आए हैं, तो इसमें नो सॉल्ट नो शुगर है, देखते हैं कैसा है, आई डोंट नो। और ये 3 LED लाइट लेके आए हैं, ये हम अपना मंदिर वगैरह डेकोरेट करेंगे ये दिवाली के लिए। और ये बताइए क्या है, एक्चुअली ये पता है ये कुछ खोदने वोदने वाला खुरपी टाइप का, पर यहाँ पर रोटी बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो रोटी फुलाने के लिए हम दबा दबा के रोटी फुला सकते हैं, ये लेके आए। और ये कोलगेट अपना आपको पता है, नो इंट्रोडक्शन। और ये है चीज बॉल, ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, मैं बचपन में चीज बॉल खाती थी जब अपने नाना के घर जाती थी नेपाल में, तो ये मुझे दिखा तो मैं ले आई, आई डोंट नो कैसा है, अगली वीडियो में बताऊंगी कैसा है। तो हम भी सरप्राइज थे कि 1 यूरो शॉप बन गया है अभी, 1.1 यूरो शॉप, पर फिर भी ठीक है, मे बी कोरोना के कारण उन्होंने बढ़ा दिया, पर फिर भी सस्ता ही है ऑलमोस्ट। और तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एंड आई विल सी यू सून अगेन विथ ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो और मे बी इंफॉर्मेशनल वीडियो। सो स्टे ट्यून एंड बी हेल्दी। बाय बाय। Thank you.